देखते ही मुंह में पानी आ गया ना। इसे मैंने एक कप कच्चे चावल और सिर्फ एक कच्चे आलू से बनाया है। देखिए कितना सॉफ्ट और स्पंजी भी बना है। खाने में टेस्टी है, चटपटा है और साथ ही में हेल्दी भी है। और ये ढेर सारा बनता है कि पूरे परिवार के लिए काफ़ी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं रश्मि और आपका स्वागत है रे किचन में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यहाँ पे मैंने एक कप चावल लिया है, ये कच्चे चावल है। इस रेसिपी के लिए आप कोई भी क्वालिटी का चावल ले सकते हैं और इसे हम साफ पानी से दो बार अच्छे से वॉश कर लेंगे। आप इस रेसिपी को पके हुए चावल या फिर चावल के आटे से भी बना सकते हैं। इसे कैसे बनाते ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने मिक्सी का जार लिया है और ये जो धुला हुआ चावल है उसका मैंने सारा पानी निकाल दिया है। यहाँ पे हम सिर्फ चावल का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही में यहाँ पे मैंने एक आलू लिया था, ये मीडियम साइज़ का आलू था और ये कच्चा आलू है जिसका मैंने छिलका उतार लिया है और इस तरह से पीसेस में कट करके लिया है। इस रेसिपी के लिए उबले हुए आलू का इस्तेमाल नहीं करना है। साथ ही में मैंने यहाँ पे दो हरी मिर्च ली है, ये कम तीखी वाली है। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप यहाँ पे मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। एक इंच अदरक का टुकड़ा जिसे मैंने कट करके लिया है, लगभग एक बड़ा चम्मच इसमें पानी डाल देंगे। और चलिए अब हम इसे एकदम फाइन ग्राइंड कर लेते हैं। पीसने के बाद आप देख सकते हैं ये बिल्कुल डोसा बैटर की तरह लग रहा है। तो इसी तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए, इसे ज़्यादा हमें इसमें पानी डालकर नहीं पीसना है। तो इस पेस्ट को हम साइड में रखते हैं और इसे पकाने के लिए गैस पे कढ़ाई चढ़ा देते हैं। कढ़ाई में हम एक बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। जैसे तेल हमारा गर्म हो जाए हम इसमें आधा छोटा चम्मच साबुत जीरा डाल देते हैं। तो देखिए जीरा अच्छे से स्प्लटर होने लगा है। जिस कप से मैंने चावल नापा था उसी कप से हमें अढ़ाई कप पानी लेना है। तो आप जिस भी बाउल का या जिस भी कटोरी का इस्तेमाल करोगे उसी कटोरी से आपको पानी भी लेना है। तो टोटल हम इसमें एक कप चावल के लिए अढ़ाई कप पानी का इस्तेमाल करेंगे। स्वादानुसार नमक डाल देते हैं, हल्का सा इसे चला लेते हैं। अब हम इसे ढक देंगे और हाई फ्लेम पे इसे अच्छे से बॉईल होने देंगे, यानी कि इसमें अच्छा सा उबाल आने देंगे। ये देखिए पानी में उबाल आ गया है। तो आज को जो है हम लो टू मीडियम के बीच कर लेते हैं। और हमने जो ये चावल की पेस्ट रेडी कर ली है, अब करेंगे कि इसे हम एक हाथ से डालते जाएंगे और दूसरे हाथ से इसे लगातार चलाते हुए मिक्स करेंगे। अब हम इसे लगातार चलाते हुए अच्छे से पका लेंगे जब तक इसका जो सारा पानी है वो अच्छे से सूख ना जाए और जो हमने मिक्सर डाला है वो एक आटे की तरह ना बन जाए। मैंने यहाँ पे कच्चे चावल को पीस कर फिर इसका इस्तेमाल किया है। अगर आप सिर्फ चावल के आटे से बना रहे हो तो आपको पूरा प्रोसेस करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप डायरेक्ट इसी में गर्म पानी में चावल के आटे को धीरे धीरे डालें और इसी तरह से चलाते हुए उसे मिक्स करें। और उस रेसिपी में आपको आलू डालने की ज़रूरत नहीं है, तो बिना आलू के भी आप इसे बना सकते हैं। तो देखिए अब जो पानी है पूरी तरह से ड्राई हो चुका है और मिक्सर कढ़ाई को छोड़ने लगा है। ये देखिए ये इस तरह से फोल्ड हो रहा है, यानी कि ये अच्छे से पक गया है। तो अब हम आंच को जो है एकदम धीमा करेंगे और इसे ढककर 3 मिनट के लिए पकने देंगे। 3 मिनट हो गए हैं और मिक्सर पूरी तरह से अब ड्राई हो चुका है। तो अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे ढककर इसी तरह से ठंडा होने देते हैं। तो लगभग 5 मिनट हो गए हैं और अभी भी ये हल्का गर्म है। तो इसे हमें एकदम पूरी तरह से ठंडा नहीं करना है, इसी तरह से हमें हल्का गर्म चाहिए। तो अब हम करेंगे कि इसे बिल्कुल जैसे हम आटा गूंथते हैं उसी तरह से इसे अच्छे से गूंथ कर अच्छा से एक सॉफ्ट डो हमें रेडी करना है। तो यहाँ पे इसे मैंने गूंथ कर रेडी कर लिया है। अब ये बिल्कुल डो की तरह लग रहा है। गैस पे मैंने स्टीमर रखा है और इसमें मैंने 2 ग्लास पानी लिया है। अगर आपके पास इस तरह का स्टीमर नहीं है तो जो इडली कुकर होता है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप इसी तरह से इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं। इसे ढक देंगे और पानी को अच्छे से गर्म होने देंगे। मैंने यहाँ पे जाली वाली स्टीमर थाली ली है जिसे मैंने तेल से ऑलरेडी ग्रीस करके लिया है। अगर आपके पास इस तरह की थाली नहीं है जाली वाली, आप कोई भी नॉर्मल स्टील की थाली ले सकते हैं। तो चलिए अब हम इसके बॉल बनाना शुरू करते हैं कि हाथों को थोड़ा सा तेल लगाएंगे जिससे कि जो मिक्सर है वो हमारे हाथों में चिपके नहीं। अब हम थोड़ा थोड़ा मिक्सर लेंगे और इसका मीडियम साइज़ का बॉल बना लेंगे। आप सोच रहे होंगे कि इसे स्टीम करने की क्या ज़रूरत है, ऑलरेडी हमने इसे पका कर लिया है। तो ऐसा नहीं है,
इसे सिर्फ हमने 80% कुक किया है, बाकी जो 20% है इसे हम स्टीम में पकाएंगे, जिससे कि ये पूरी तरह से पक भी जाएगा और काफ़ी सॉफ्ट और स्पंजी बनेगा। तो यहाँ पे पूरे स्टीमर में मैंने एक बैच को रेडी कर लिया है, तो चलिए अब हम इसे स्टीम कर लेते हैं। तो ये देखिए पानी में उबाल आ चुका है, यानी कि पानी अच्छे से गर्म हो गया है। आँच को थोड़ा सा धीमा कर लेते हैं और इस ट्रे को इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे। पानी से हमें थोड़े ऊंचाई पे ही इसे रखना है, जिससे कि पानी का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं हो। इसे ढक देते हैं और 10 मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पकने देंगे। 10 मिनट हो गए, चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए अच्छे से स्टीम होकर ये पक चुके हैं और हल्के से फूल भी गए हैं। तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं और पूरी तरह से ठंडा होने देते हैं। तो यहाँ पर मैंने सेम कढ़ाई ली है, इसमें हम 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। जैसे तेल हमारा गर्म हो जाए हम इसमें 1/2 छोटा चम्मच राई डाल देते हैं। राई देखिए स्प्लटर होने लगी है। यहाँ पे मेरे पास 8 से 10 करी पत्ते हैं, तो इसे भी डाल देते हैं। 1 छोटा चम्मच रेड चिली फ्लेक्स ली है, आप चाहो तो यहाँ पे भी हरी मिर्च डाल सकते हैं, या फिर सूखी हुई लाल मिर्च या फिर काली मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें एक सीक्रेट मसाला डालेंगे, जिससे कि इसका जो टेस्ट है ना वो 2 गुना हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे मैगी मसाला लिया है, ये वही मसाला है जो हमें मैगी के पैकेट में मिलता है, तो इसके मैं 2 पैकेट इस्तेमाल करने वाली हूँ। अब हम यहाँ पे कोई भी नमक या किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि मैगी मसाला में ऑलरेडी नमक होता है। मैंने यहाँ पे मैगी मसाला लिया है, आप चाहो तो एक नॉर्मल तड़का बनाकर भी इसे फ्राई करके ले सकते हैं। और ज़्यादा फ्लेवर बनाना है अगर आपके पास मैगी मसाला नहीं है, तो आप यहाँ पर पाव भाजी मसाला या तंदूरी मसाला भी डालकर इसे बना सकते हैं। कि ये जो हमने बॉल को स्टीम करके रखा हुआ है इन्हें हम इसमें डाल लेते हैं और इस तरह से टॉस करते हुए इसे अच्छे से चला लेंगे, जिससे कि पूरा जो मसाला है उसकी कोटिंग हर एक बॉल पे अच्छे से हो जानी चाहिए। अगर आप इसे चम्मच से मिला रहे तो उन्हें हम हल्के हाथों से मिलाएंगे, क्योंकि काफ़ी सॉफ्ट है, स्पंजी है, तो इन्हें हल्के हाथों से ही मिक्स करना है। तो आप देख सकते हैं कि हर एक इस पर अच्छे से मसाला जो है कोट हो गया है। तो हल्का सा नटीनेस देने के लिए मैंने यहाँ पे सफ़ेद तिल लिया है, ये भी पूरी तरह से ऑप्शनल है। तो लगभग 1 बड़ा चम्मच के करीब हम इसमें डालेंगे और फिर से इसे टॉस कर लेंगे, इसकी भी एक अच्छी सी कोटिंग हो जाए। मैंने यहाँ पे तिल लिया है, आप चाहो तो भुनी हुई मूंगफली का पाउडर भी डाल सकते हैं, वो भी काफ़ी बढ़िया लगेगा, या फिर डेसिकेटेड कोकोनट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम करेंगे कि इसमें फ्रेशली धनिया डालेंगे, धनिया के विदाउट सारी रेसिपी अधूरी है। और इसे चटपटा फ्लेवर देने के लिए मेरे पास यहाँ पे 1 नींबू का जूस है। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप यहाँ पे चाट मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए फिर से एक बार इसे अच्छे से मिलाते हुए टॉस करेंगे, जिससे कि सारा जो फ्लेवर है ना हर एक बॉल पे अच्छे से लग जाए और खाते समय सारे फ्लेवर का टेस्ट हमें मिले। तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी है, हेल्दी है, चटपटा फ्लेवर भी है। तो देखिए अभी ये काफ़ी गर्म है, फिर भी मैं एक आपको उठाकर दिखा रही हूँ। देखिए कितनी अच्छे से कोटिंग हो गई है ना, खाने में बहुत ही टेस्टी लगने वाले हैं, देखिए कितने स्पंजी हैं। तो चलिए अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे डिश आउट कर लेते हैं। अगर आपको ब्रेकफास्ट में एकदम हेल्दी खाना है तो स्टीम करने के बाद आप इसे एज इट इज़ खा सकते हैं। तो देखिए 1 कप चावल में कितना सारा बन के रेडी है। तो आप इसे सुबह के नाश्ते में भी खा सकते हैं और शाम को फिर से गर्म करके भी खा सकते हैं, खाने में ज़बरदस्त लगते हैं। इसका जो सॉफ्टनेस है, जो स्पंजीनेस, बिल्कुल इसी तरह से बरकरार रहता है। आप इसे सॉस के साथ खाइए या फिर हरी चटनी के साथ, या फिर आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। मैंने इसे ऑलरेडी पके हुए चावल से भी बनाया हुआ है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें।